मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार की रात एक वॉल्वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार चालक ने बताया कि बस का टायर फट गया था, इस कारण बस बेकाबू होकर पलट गई। यह हादसा थाना महावन क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 113 के नजदीक हुआ था। वॉल्वो बस दिल्ली से सवारियां लेकर औरैया जा रही थी। रात तकरीबन 2 बजे माइलस्टोन 113 के नजदीक टायर फटने से वॉल्वो अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर में टकराने से पलट गई। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में न्यू दक्षिणी बाईपास से 18 अगस्त को गुरुग्राम से पन्ना जा रही कल्पना ट्रैवल्स की बस को 34 सवारियों सहित हाईजैक करने के आरोपी मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। वह जेल में बंद है। पुलिस ने उसके साथियों को भी जेल भेजा था। ताजनगरी में करवा चौक पर बुधवार की रात गुलाबी सर्दी बढ़ गई। सुबह पारा 12 डिग्री पर आ गया था। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जबकि सामान्य से यह 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पिछले 5 वर्षों में करवा चौक पर यह सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं गुरुवार की सुबह भी यही हाल रहा। वातावरण में धुंध छाई थी। फिरोजाबाद के टुंडा स्थित सब्जी मंडी में बुधवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 7 दुकानें जलकर राख हो गई। 2 बकरियां भी जलकर मर गई। एक वाहन भी जला। आग की घटना से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने से कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस जांच कर रही है। टुंडा स्टेशन मार्ग किनारे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में कई दुकानों पर तिरपाल पड़े हैं। बुधवार रात तकरीबन 2 बजे मंडी से आग की लपटें उठी। उसके बाद मंडी के पास की बस्ती में शोर मच गया। लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दमकल विभाग को सूचना दी। आगरा के थाना सदर की बंदूक कटरा पुलिस चौकी में एक सिपाही ने पूर्व फौजी उसके बेटे और बेटे की दोस्त की पिटाई कर दी। आरोप है कि सिपाही चरित्र प्रमाण पत्र जल्दी देने के 500 रुपए मांग रहा था। ऋषि के दोस्त ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करी। इस पर सिपाही भड़क गया और पिटाई की। बाद में 4 साथियों ने भी पीटा। पीड़ित ने SSP से शिकायत की है। बिंदु कटरा निवासी सेवानिवृत्त फौजी अनिल चतुर्वेदी का बेटा ऋषि सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। 28 अक्टूबर को चरित्र सत्यापन को ऋषि ने ऑनलाइन आवेदन किया था। SSP दफ्तर से जानकारी पर पता चला कि उनका आवेदन सत्यापन को थाना सदर गया है। 4 दिन पहले वो थाना सदर पहुंचे, उन्हें कंप्यूटर से प्रिंट निकालकर दे दिया गया। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के इंदिरा स्थित बंद पड़े कॉम्पोजिट पब्लिक स्कूल में सट्टा लगाते हुए 13 सटोरियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था, मगर इनका सरगना अभी तक भी हाथ नहीं आ सका है। हालांकि पुलिस ने उसकी डायरी बरामद की है। इसमें कोडवर्ड में ग्राहकों के नाम लिखे हुए हैं। इसके साथ ही 4 करोड़ से अधिक की लेनदेन की जानकारी है। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि सटोरियों का सरगना मोनू पंडित है। इसकी एक डायरी बरामद हुई है। इसमें 100 पेज है, इनमें से आधे भरे हुए हैं। इन पेज पर रकम और संख्या लिखी हुई है, किसी व्यक्ति के नाम और नंबर का जिक्र नहीं है। इससे आशंका है कि फरार सरगना मोनू पंडित चट्टा लगाने वालों का नाम नहीं लिखता। शहर की 3 मजारों पर भगवा रंग पोतने और शमशाबाग में हनुमान चालीसा का पाठ करने के आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ये शुभम पंडित, बालकिशन और अजय तोमर हैं। तीनों को जेल भेज दिया गया। शुभम और बालकिशन को भगवा रंग पोतने और अजय तोमर को हनुमान चालीसा का पाठ करने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों की पहचान CCTV फुटेज की मदद से की। सर्विलांस के जरिए लोकेशन देकर इन्हें पकड़ा जा सका है। सोमवार रात आगरा कॉलेज के सामने MG रोड स्थित मजार के एक हिस्से पर भगवा रंग कर दिया गया था। बिजलीगढ़ स्थित मजार और ताजगंज क्षेत्र में भी मजार पर भगवा रंग कर दिया गया था। इस मामले में थाना लोहा मंडी, रकाबगंज और ताजगंज में मुकदमे दर्ज किए गए। दृष्टिहीन हाथी भोला ने बुधवार को अपनी आजादी के 10 वर्ष पूरे किए। 55 वर्षीय अंधे हाथी भोला ने कई वर्ष वीडियो में बांध कर गुजारे थे। आजादी के 10 वर्ष वाइल्ड लाइफ SOS के साथ पूरे किए गए। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर जंगे जंगे हो रहे प्रदर्शन में आज मथुरा में भी प्रदर्शन हुआ। मथुरा के युवाओं ने जमकर रैली प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की यही मांग थी कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद और अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारे लगाए गए। एटा के थाना आवागढ़ क्षेत्र के गांव की दुष्कर्म की पीड़िता की सुरक्षा में 2 सिपाहियों को इंसास राइफल के साथ तैनात किया गया था। सिपाहियों की इंसास राइफल के साथ महिला का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। बुधवार की सुबह पुलिस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट किया। उनकी पोस्ट के साथ दुष्कर्म पीड़िता का फोटो और साथ में इंसास राइफल दिखाई गई। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट हटा लिया। इसका संज्ञान पुलिस अधिकारियों ने लेते हुए दुष्कर्म पीड़िता की सुरक्षा में लगे सिपाही सुनील तागी और VK सिंह यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल
करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।